अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होने वाली है बहुत शानदार, क्योंकि आज हम देखेंगे XRP के चार्ट को। काफ़ी दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही है कि XRP के चार्ट को देखें, XRP के चार्ट को देखें। तो आई अंडरस्टैंड XRP एक मेजर कॉइन है, और उसमें पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर बहुत ही शानदार मूव आया है, क्रेज़ी किस्म का मूव आया है। और इस तरह के जब मूव आते हैं तो लोग एकदम से इंटरेस्टेड होते हैं कि यार ये कौन सा कॉइन है, XRP हो, 100% का मूव, 200% का मूव 3 हफ्तों के अंदर। तो नेचुरली लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मोइज़ भाई प्लीज़ XRP के चार्ट को एनालाइज करें और हमें बताएं कि वेयर डज़ इट स्टैंड। सबसे पहले जी, जो अनाउंसमेंट एक कल मैंने की थी वो ये कि मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप कम्युनिटी मैंने बनाई है। उस आप किसी भी वीडियो के नीचे, ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं इसके नीचे आप जाएंगे, ज्वाइन माय ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटी, यहाँ पे नीचे लिखा होगा। इस चैट पे आप जाके क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इधर जाके आप ज्वाइन चैट करेंगे तो आप यहाँ कम्युनिटी टैब पे आ जाएंगे, और कम्युनिटी टैब पे जाके आपने, ये मोइस काजी ट्रेडिंग कम्युनिटी है जिसको आपने ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद नीचे एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे हम सारे जितने भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों ने कल ही ज्वाइन कर लिया, और जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी हमने बातें भी की, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब भी मैंने दिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को भी दूर किया। बाकी जनरली सलाम दुआ, एक दूसरे से बातचीत, जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर। और उसके अलावा जो अनाउंसमेंट ग्रुप है उधर मैंने ट्रेडिंग सिग्नल्स दिए थे कल रात में। अपनी सारी ट्रेड्स लाइव जितनी भी मैं कर रहा हूँ सारे अपडेट मैं इधर शेयर कर रहा हूँ, प्रूफ आपके सामने। ये इथीरियम कल जब रात में करेक्ट कर रहा था, उधर मैंने लॉन्ग करने की कॉल दी, GRT की कॉल दी, और उसके बाद सोलाना की कॉल दी और रून की कॉल दी, और अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि सारी ट्रेड्स शानदार किस्म के प्रॉफिट्स में आ गई। तो प्लीज़ प्लीज़ जाके इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, इंगेजमेंट करें वहाँ पे जाके। और उधर काफ़ी तरह के ज़बरदस्त किस्म के लोग वहाँ पे हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और मैं तो वहाँ पे हूँ ही मौजूद। चलें जी, मूविंग ऑन। और अगर XRP के एनालिसिस के लिए आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कॉमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। मुझे बताइए कि किस चीज़, किस कॉइन के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं साइकिल पे। मूविंग ऑन, चलते हैं XRP के चार्ट पे वक्त ज़ाया किए बगैर। ये XRP का डेली चार्ट आप देख ही सकते हैं कि लोग क्यों XRP के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, कि इसने तकरीबन यहाँ से, अगर मैं लगाऊँ ये वाला जो लो है, 5 नवंबर, 5 नवंबर यानी तकरीबन एग्जैक्टली 1 महीना हुआ है, अभी 5 दिसंबर, 6 दिसंबर है आज, तो 5 नवंबर से इसने जो मूव दिया है 488% का मूव, मतलब करीब करीब 5 गुना, 5x जो है वो मूव XRP ने दिया है। इस मूव को एनालाइज करना, इस तरह के जो बिल्कुल ही जो स्ट्रेट अप मूव जाते हैं ना, इनको एनालाइज करना हमेशा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो मूव्स होते हैं वो इन द लॉन्ग रन मुश्किल से ही सस्टेनेबल होते हैं। सस्टेनेबल मतलब कि ये कंटिन्यू रह सकें। वीकली चार्ट पे कुछ चीज़ें मैंने मार्क की हैं इधर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी रिवीलिंग है, काफ़ी चीज़ें हमें बता सकती हैं। एक तो ये कि सबसे पहले मुझे नज़र आ रही है कि एक ही ट्रेंड लाइन है जिसको जाके हमने परफेक्टली हिट किया है, जिसने 3 लेवल्स पे, पहले 3 वक्तों पे इस लेवल ने XRP के हाईस को परफेक्टली मार्क किया। ये जो हाई है मई 2018 का हाई, यहाँ मार्क किया है ट्रेंड लाइन पे, फिर ये अप्रैल 2021 का हाई परफेक्टली मार्क, और अब जाके XRP की जो प्राइस है वो इस वीक इस रेजिस्टेंस से, जो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, पिछले 3 ऑल टाइम हाईस को इसने कैप किया हुआ है और इससे ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रही है XRP की प्राइस। तो इस प्राइस को जाके हिट किया है XRP ने, तो मतलब
इस तरह की सिचुएशन में अगर आप कोई कॉइन के अंदर आप घुसते हैं, जैसे XRP है यहाँ पे, जो कि अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पुरानी रेजिस्टेंस करीब 2016 तकरीबन 6 साल से भी ज़्यादा पुरानी रेजिस्टेंस को जाके हिट किया, और आपने देखा है कि दो दफ़ा उसने परफेक्टली हाइज को मार्क किया है XRP पे, तो इधर तो ख़रीदना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी XRP, क्योंकि आप वो अगर आप यहाँ ख़रीदेंगे तो मतलब आप वो हैं जो बिल्कुल टॉप पे ख़रीद रहे हैं, और टॉप पे ख़रीदने वाले हमेशा वो होते हैं जो कि सबसे आखिरी में ख़रीदते हैं, और उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। मतलब तीन एक दफ़ा ये रिजेक्ट हुई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो मतलब अभी तीसरी बार भी रिजेक्ट हो सकती है, ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ के। और ये वाला जो मूव है अगर देखा जाए ऑनेस्टली, तो ये वाला जो मूव है ये पिछले तीनों मूव से ज़्यादा स्ट्रेट अप सीधी ऊपर गई है, और मैंने आपको हमेशा मैं बोलता हूँ जो चीज़ स्ट्रेट अप ऊपर जाती है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रेट अप नीचे भी आएंगे। जैसे कि आप पिछले ये वाला मूव जो 2020 वाला जो दिसंबर का मूव है इसमें आप देखें एटलीस्ट कोई चार्ट में कोई स्ट्रक्चर है कि यहाँ से पहले ऊपर गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके बेस बनाई, फिर इस बेस को सपोर्ट बना के यहाँ के हिट किया और फिर इसी तरह नीचे आया। लेकिन ये वाला जो मूव है अभी करंट जो एक महीने के अंदर मूव आया है ये बिल्कुल ही आप देख रहे हैं सीधा ही ऊपर चला गया, यानी कोई सपोर्ट नहीं है इसके बाद। जब ये गिरना शुरू होगा तो ये किधर रुकेगा आप बताएं, इसके पास कोई स्ट्रक्चर ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी XRP के अंदर। तो आई थिंक दिस इज़ अ नॉट द राइट टाइम टू बाय XRP इन माई ओपिनियन, क्योंकि मैं आपको बताऊँ XRP अगर आपने यहाँ पे कहीं लिया है अभी, ठीक है, तो XRP की जो डेली पे आई थिंक जो लास्ट सपोर्ट लेवल है वो ये है, ये वाला जो लेवल है मेरे चार्ट्स पे 2.1665, ठीक है। अगर XRP जब तक इसके ऊपर ऊपर रहता है तो ज़बरदस्त है, ठीक है। XRP के लिए मैं कब बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा, जब XRP ऊपर आता है और कोई डेली एटलीस्ट डेली या वीकली हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़े लंबे वीकली ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो डेली क्लोज 2-3 या तो फिर वीकली क्लोज ऊपर आके क्लोज हो जाए और XRP यहाँ पे स्टे करने लगे, तब तो XRP इज़ अ ग्रेट ऑप्शन टू बाय एट दैट टाइम। लेकिन आई डाउट कि ऐसा होने लगा है, मुझे नहीं लगता कि XRP के साथ अभी ऐसा होने लगा है, क्योंकि इतना बड़ा मूव सस्टेन करना प्राइस एक्शन के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये XRP का जो है बुलिश सिनेरियो है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम मार्क कर देते हैं बुलिश, मतलब ग्रीन से कर देते हैं, सही है। लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे जो नज़र आ रहे हैं XRP के साथ होने के वो ये कि XRP अगर अपना ये वाला लेवल 2.1723 वाला जो लेवल है येलो वाली लाइन, इसको अगर ब्रेक कर देता है और इसके नीचे आके स्टे करता है, तो फिर अगर किसी ने यहाँ पे इस लाइन से ऊपर ऊपर अगर किसी ने बाय किया है तो उसको पोजीशंस बंद करके निकल जानी चाहिए, क्योंकि XRP फिर सीधा ही नीचे आएगा। और कहाँ नीचे आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि XRP के पास स्ट्रक्चर ही नहीं मौजूद, सीधा ही ऊपर गया है, तो सपोर्ट कहाँ बनाएगी? कुछ सपोर्ट उसको जो है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के पास XRP को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ आके XRP के अंदर एक बाउंस देखने में आ सकता है कि यार चलो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस हुआ, लेकिन वो बाउंस करने के बाद XRP यहाँ से शायद वापस नीचे हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे है सपोर्ट एक थोड़ी सी, और अगर यहाँ से भी गिरता है तो XRP फिर वापस आके अपने इस लेवल को टच कर सकता है। इधर आके टेस्ट करने की ये जो रेड डब्बा है, इधर आके टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल चीज़ ये है, ये वाला जो सिनेरियो है जो मैं येलो से मार्क किया हुआ है, XRP अपने ये वाले लेवल को ब्रेक करे 2.1744 को, यहाँ आए रीटेस्ट करे और यहाँ आके इस डब्बे को
आके हिट करे और यहाँ से फिर शायद दोबारा बाउंस कर सकती है। लेकिन अगर वो यहाँ से भी XRP अगर इस लेवल से भी नीचे गिरती है तो इधर से इधर आने तक 31-32% की करेक्शन XRP के अंदर आराम से हो सकती है अभी करंट सिनेरियो के अंदर से। और अगर आपने यहाँ से अगर आपने बिल्कुल इस टॉप पे रेजिस्टेंस पे आपने ख़रीदा है तो फिर आप ऑलरेडी जो है अभी 23% की करेक्शन देख चुके हैं, ठीक है। और मज़ीद अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसके अंदर 48-50% की करेक्शन XRP के अंदर आराम से हो सकती है, मोस्ट लाइकली ये हो जाए। तो XRP इसलिए मैं अभी तो नहीं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ के रुक जाए, ये यहाँ पे भी आ सकती है आराम से। तो यहाँ पे आती है तो ये 50% की करेक्शन है और इसके बाद फिर शायद हमें बाउंस नज़र आए और XRP जाके अगर उसने नया ऑल टाइम हाई बनाना है और इस रेजिस्टेंस को इस साइकिल में तोड़ना है तो फिर हमें इस रीटेस्ट के बाद शायद यहाँ नीचे आए, इसको रीटेस्ट करे और फिर ऊपर जाए और फिर ऊपर जाके इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि वीकली रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज कर ले अगर इसने इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले भी दो बुल रन्स के अंदर वो इस प्राइस पे आके रिजेक्ट हुआ है और ये उसका हाई था। तो इस अगर दो दफ़ा हुआ है तो तीसरी बार भी हो सकता है, क्या पता ये XRP का हाई हो, तो वी डोंट नो। और अभी XRP को प्ले करना लॉन्ग्स के अंदर मेरे हिसाब से तो इज़ नॉट अ गुड आइडिया, जब आपके पास मार्केट में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि लो कैप कॉइन्स हैं। XRP अभी क्या है, XRP की मार्केट कैप फोर्थ या फिफ्थ सोलाना के बाद XRP है मेरे ख्याल से, या सोलाना से ऊपर आ गया। तो यानी इट्स अ ह्यूज कॉइन, इसको मूव देने के लिए जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा पैसा चाहिए। और इतना बड़ा मूव जो XRP के अंदर हमने देखा है पिछले एक महीने के अंदर, वो सस्टेनेबल नहीं है। इसके अंदर जिन लोगों ने बिल्कुल नीचे XRP को ख़रीदा होगा पिछले महीने, या XRP को जो लोग लास्ट बुल रन से लास्ट बेयर मार्केट से जो लोग होल्ड कर रहे हैं, जो लोग XRP को यहाँ से होल्ड कर रहे हैं जब XRP 0.355 सेंट का था, तो आपको नहीं लगता उन्होंने जब यहाँ पे प्राइस आई होगी इसको हिट की होगी 813% का मूव, यानी 8 गुना उनके पैसे हो गए अगर उन्होंने यहाँ से लिया हुआ है, तो उन्होंने प्रॉफिट लिया होगा। तो अभी प्रॉफिट लेने वाले लोग ज़्यादा होंगे और जितने भी यहाँ पे बाइंग लोग कर लें प्रॉफिट लोग लेते रहेंगे इन हाइस के पास जाके, और मोस्ट लाइकली XRP की प्राइस जो है वो यहाँ से इन लेवल्स पे जाके हिट करेगी। तो XRP अगर किसी ने लिया हुआ है तो नॉट अ गुड ऑप्शन, अभी फ़िलहाल ना लें। लेने का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अगर इस लेवल के ऊपर XRP क्लोज कर ले तो बाय किया जा सकता है अगर आपने XRP के अंदर घुसना ही है तो। दूसरा तो ये है कि मैं कह रहा हूँ XRP से बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन अभी हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं, स्पॉट बाइंग के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। या तो XRP आपने ख़रीदना है तो XRP के लिए फिर आप इस वाले मूव का होने का वेट करें, जब वो ये करेक्शन हो जाए तब आप XRP के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये है मेरा XRP का एनालिसिस। बिटकॉइन को भी ज़रा जल्दी से चेक कर लेते हैं कि बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है। भाई जो कल का मूव था ना वो बड़ा ही ख़तरनाक मूव था, आप चेक कर रहे हैं। पहले बिटकॉइन ने डेली पे 104 तक गया जहाँ पे मैंने अपनी बिटकॉइन की ट्रेड कल ख़त्म कर दी उसके बाद, और सही वक्त पे बिल्कुल ख़त्म की क्योंकि उसके बाद बिटकॉइन ने वहाँ से 13% की करेक्शन दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लेवल के ऊपर ऊपर ही क्लोज़ किया, जो ये वाली सपोर्ट है जो है 91.42। तो अब हमारे पास क्लियर लेवल आ गया बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, कि जब तक बिटकॉइन की प्राइस इसके ऊपर ऊपर है तो कोई मसले की बात नहीं है, ज़्यादा चांसेस हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा। हाँ अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया इस लेवल के तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी करेक्शन आने वाली है और बिटकॉइन यहाँ से इस लेवल तक जा सकता है जो कि 77 से लेके 80,000 के तकरीबन आके यहाँ पे बिटकॉइन जा सकता है। और जब बिटकॉइन यहाँ पे जाएगा तो बाकी कॉइन्स के अंदर भी ज़्यादा करेक्शन आपको देखने में नज़र आएगी ऑब्वियसली। लेकिन अभी तक सो फार सो गुड, जिस तरह उसने जितनी तेज़ी से विक नीचे गई थी उतनी ही तेज़ी से विक ऊपर भी आई, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर बिटकॉइन के ऊपर है। और इस तरह की जो विक्स होती हैं वो सारे ट्रेडर्स को लिक्विडेट करने के लिए होती है। अब सोचे ना कितने, जब बिटकॉइन
यहाँ से जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया होगा, ये वाला जो लेवल था जब बिटकॉइन ने इसको लेवल की ब्रेक किया, तो कितने लोगों ने, और यहाँ के रिटेस्ट जब किया इधर आके, तो कितने लोगों ने यहाँ से बिटकॉइन को लॉन्ग कर दिया होगा, है ना? क्योंकि सपोर्ट पे जब आके प्राइस रिटेस्ट करती है तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। और उसके बाद एकदम से ये वाला वेक आया नीचे, जिसने तमाम लॉन्ग ट्रेडर्स को लिक्विडेट कर दिया होगा। और फिर उसके बाद जिन लोगों ने बिटकॉइन को शॉर्ट करने की, जब उन्होंने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ तक नीचे आ गया है, जब लोगों ने बिटकॉइन को यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की होगी कि यार वो बिटकॉइन अब इसके भी नीचे आ गया, ये क्रिटिकल लेवल तोड़ने लगा है, इसको शॉर्ट करो, तो फिर यहाँ से एकदम से ऊपर आ गया। तो यानी दोनों लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेडर्स को कल लिक्विडेट किया गया है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब प्राइस एक प्राइस पे पूरा पूरा कमिट ना करें इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में। अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी मार्केट के अंदर। इसी तरह के बड़े बड़े मूव्स आपको नजर आएंगे, 15-15, 10-10% के मूव्स आराम से ऊपर नीचे एक विक की सूरत में हो सकते हैं। तो अगर आपने पूरे अपने पैसे एक ही ट्रेड के अंदर कमिट कर दिए एक ही लेवल पे प्राइस के, तो जब नीचे विक आई यहाँ पे, अगर आपने सारा बिटकॉइन अपना इसी लेवल पे ख़रीद लिया, ठीक है, तो एक तो जब ये वाली विक आई होगी तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप लिक्विडेट हो गए होंगे या तो अपनी पोजीशन से बाहर हो गए होंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये ऑप्शन होता है हमेशा मेरे एक्सपीरियंस में कि आप यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन के साथ, 20-30-40% पोजीशन के साथ एंटर हों, और जब करेक्शन आए ताकि आपके पास पैसे बाकी हों कि आप लिक्विडेट भी ना हों और आप अपनी दूसरी पोजीशन यहाँ पे एंटर हो सकें। तो जब आप दोनों पोजीशंस यहाँ पे मिला के एंटर होंगे तो आपकी एंट्री प्राइस, सोचें ना, पहले आपकी एंट्री पोजीशन ये थी इस वाले ग्रीन डब्बे के पास, लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी परचेस किया होता तो आपकी एंट्री एवरेज आउट होके कहीं यहीं इस तरफ लेवल पे बन जाती, समझ रहे हैं? तो वो कितनी अच्छी एंट्री होती बनिस्बत ये वाली एंट्री के जो ऊपर है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पूरे पैसे एक ही पोजीशन पे हर वक्त ना लगाएं, क्योंकि कभी भी इस तरह की करेक्शन हो सकती है। तो आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि आप नीचे ऐड कर सकें, और मैं भी यही करता हूँ, ठीक है? उसके अलावा कल जो हमने ट्रेड्स कुछ ली थी उसको भी ज़रा सा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। इथीरियम की कॉल दी थी, इथीरियम ने भी इतनी बड़ी जब विक दी, मैंने यहाँ पे इथीरियम इस लेवल पे आके इथीरियम को ऐड किया, क्योंकि मुझे पता था बहुत स्ट्रांग लेवल है ये, बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन इथीरियम की जो ये वाली है, इसके ऊपर इथीरियम स्टे कर रहा है, ब्रेक किया है, तो बहुत मुश्किल है कि इथीरियम इसको ब्रेक करे और उसके बाद उसके अंदर वापस नीचे क्लोज हो जाए। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल था, मुझे पता था, तो मैंने यहाँ पे इथीरियम को लॉन्ग किया। अब इथीरियम यहाँ से ऊपर जा रहा है और इथीरियम का नेक्स्ट टारगेट है ये, ठीक है, ये वाले जो हाइज हैं, जो इनके इसके ऑल टाइम हाई तो नहीं है इथीरियम का, सॉरी, ये जो 4086 से लेके 4055 के आसपास। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ये नेक्स्ट टारगेट है ये, मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि प्राइस कहाँ जाएगी, मुझे कैसे पता लगता है? उसके दो तीन तरीक़े हैं कुछ केसेस में। इस केस में तो सिंपल है कि ये जो हाइज़ हैं, यूजुअली जब प्राइस ऊपर जाती है अपने हाइज़ के पास तो उसको रिटेस्ट करती है, ज़्यादा चांसेस हैं इसके, और उसके बाद आके जब रिटेस्ट करती है तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकती है और फिर अपना अगला मूव डिसाइड करती है कि यहाँ से इसने नीचे आना है कि यहाँ से इसने ऊपर जाना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इन एनी केस प्राइस आती है। तो इथीरियम लुक्स गुड, सो एवेक्स लुक्स गुड, जब तक इस लेवल के ऊपर है 47.93, एवरीथिंग इज़ गुड। एवेक्स का मैंने जो टेक प्रॉफिट है वो इधर रखा हुआ है इस डब्बे के पास 57.4 से लेके 58 के अराउंड, इस जगह प्रॉफिट एवेक्स का ले सकते हैं। और आई थिंक एवेक्स पे ये भी एक चैनल आवरली पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर किसी ने क्विक डे ट्रेड करनी है फॉरन आवरली टाइम फ्रेम पे, तो अगर एवेक्स इस लेवल के ऊपर क्लोज कर लेता है आवरली और फिर यूँ नीचे आता है, ठीक है, क्लोज कर लेता है ऊपर और फिर नीचे आता है, रिट्रेस करता है, तो यहाँ से अगर कोई लॉन्ग होना चाहे तो वो हो सकता है इस लो को, इस लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं तो। और ये 4.26 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बेहतरीन ट्रेड एवेक्स के अंदर हमें नज़र आ सकती है।
तो AVAX पे ये हो रहा है, AVAX लुक्स गुड जब तक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है 47.87। उसके बाद सोलाना लुक्स गुड जब तक इस लेवल के ऊपर है 229 से लेके 225, इन लेवल्स के ऊपर जब जब है सोलाना हायर हाई बना रहा है तो यहाँ तक इन हाइज को टच करेगा इंशाल्लाह इसी वीक या नेक्स्ट मंडे संडे को, डिपेंडिंग के पूरी मार्केट क्या कर रही है। उसके अलावा रून की ट्रेड के अंदर मैं हूँ, रून वो भी इस क्रिटिकल लेवल के ऊपर है, यहाँ अभी स्टे कर रहा है, ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर जाएँ, अभी भी आई थिंक अच्छी एंट्री स्पॉट पे है रून, मैं इसके लॉन्ग में हूँ, तो यहाँ से अगर कोई एंटर होना चाहता है रून के अंदर तो वेरी प्रोबेबल ट्रेड रून यहाँ जाएगा। इसकी इनवैलिडेशन क्या है इस ट्रेड की, कि अगर रून की प्राइस 4 आर इस वाले लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाती है 6.666, जो ये मेरा लेवल है, वो लेवल कहाँ से आ रहा है रून के अंदर, ये इसके ये वाला जो हाईएस्ट ने ब्रेक किया है, इसके ऊपर ब्रेक किया ऊपर आया स्टे कर रहा है और ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से रून ऊपर जाएगा। टर्न में कुछ खास नहीं है। अच्छा जी, सुपर अपनी बेहतरीन शानदार स्पॉट पे है ट्रेड करने के लिए, सुपर की ट्रेड के अंदर भी मैं हूँ, सुपर अभी ऊपर गया था मैंने प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है सुपर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, सुपर ने अपना ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई प्राइस थी सुपर की, उसने ये ब्रेक की है अभी और ये ऊपर स्टे कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉस्चर के अंदर है सुपर, तो आई थिंक सुपर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है साइकिल का और बहुत अच्छी ट्रेड सुपर के अंदर अभी मौजूद है। ये कहाँ जाएगा, मूव कहाँ तक जा सकता है इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता अभी, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई प्राइस लेवल नहीं है, ये ऑल टाइम हाई थी, लेकिन ये हमें पता है कि ऊपर जाएगा। यहाँ से जो ट्रेडिंग सेटअप सुपर का बनता है वो इस लेवल पे इस लो को बेस बना के सुपर के अंदर भी आराम से 15-20% की मूव तो आएगी। इसका इनवैलिडेशन क्या है, जब तक इस लेवल के नीचे जो क्या है 1.5900, इसके नीचे जब तक सुपर 4 आर क्लोज नहीं हो जाता तब तक सुपर बुलिश है, सुपर के अंदर लॉन्ग किया जा सकता है, सुपर एक पोजीशन सुपर के अंदर यहाँ बनाई जा सकती है इस पोजीशन पे और थोड़े पैसे बचा के जब सुपर अगर करेक्ट करे, जैसे कल एकदम से विक आई थी ना, अगर आज भी आ गई या हफ्ते वाले दिन कल के दिन आ गई तो दूसरी पोजीशन सुपर के अंदर यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो ये दो पोजीशन हो जाएंगी आपकी अच्छी एंट्री प्राइस पे और सक्सेस के चांसेस आपके मैग्नीफाई हो जाएंगे। अच्छा जी, सुपर लुक्स वेरी गुड। उसके अलावा बीम के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड है, बीम अभी नीचे आ रहा है, बीम के अंदर बहुत अच्छी एंट्री बनती है यहाँ पे जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर है बीम 0.030653 मेरे चार्ट्स पे ये वाला जो लेवल है। बीम भी गेमिंग कॉइन है जैसे सुपर है और जिस तरह की मूव सुपर के अंदर आ रही हैं उसी तरह ही की मूव्स जो हैं वो बीम के अंदर भी आ रही है। बीम के अंदर हमने काफ़ी सारी ट्रेड्स की हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर अभी, लेकिन मैं बीम की ट्रेड में नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेड्स अभी खोली हुई हैं, तो तकरीबन 11-12 ट्रेड्स मैंने खोली हुई हैं, तो मुझे अब डर लग रहा है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं अब नई ट्रेड्स नहीं ले रहा जब तक मैं पुरानी ट्रेड्स को क्लोज नहीं करता। सुपर अगर बीम के अंदर अगर यहाँ एंट्री मिलती है इस प्राइस पे, ये जो डब्बा बना हुआ है, तो बीम के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त एंट्री ये हो सकती है। आवे की ट्रेड में मैं हूँ, नेक्स्ट टारगेट आवे का जो है वो ये वाला डब्बा है 326 के पास, आवे लुक्स गुड जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता 241, ये जो इसको मैं मोटा कर देता हूँ, इस लेवल के अंदर क्लोज नहीं करता, लेकिन अभी नई ट्रेड्स आवे में लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आवे अच्छा खासा ऊपर निकल गया है, 7% ऊपर निकल गया है। GRT की ट्रेड के अंदर भी मैं हूँ, GRT करेक्ट कर रहा है अभी, मेरे ख्याल से ये वाली ट्रेड मेरी लॉस में चल रही होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं इसको अभी होल्ड करूँगा जब तक ये इस लेवल के ऊपर है 0.31610, ठीक है, जब तक इसके ऊपर ऊपर है तो ऑल इज़ गुड, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ से इस लेवल की तरफ 0.38709, अगर नीचे क्लोज हो जाती है यहाँ से तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा, इस लेवल से नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पर आएगी, ठीक है, तब मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। ओम लुक्स ज़बरदस्त, ओम बहुत अच्छा लग रहा है, ओम मैंने आपको कॉल कहाँ से दी है, जो देख रहे हैं चैनल उनको पता होगा, ओम मैंने आपको यहाँ से बाय करने का बोला हुआ है कि जब ये लेवल ओम ने तोड़ा था तो मैंने कहा था ओम बाय कर लो, ओम ने जो है वो थोड़ा सा मैं इंतज़ार तो कराया यहाँ से लेके यहाँ तक कितने
पाँच छः दिन ओम ने होल्ड करने के बाद जाके ये वाला मूव दिया था और अभी इस लेवल के ऊपर ऊपर स्टे कर रहा है। जब तक इस लेवल के ऊपर स्टे कर रहा है ओम, मैं ओम की पोजीशन नहीं क्लोज करूँगा, मैं ओम का प्रॉफिट लूँगा यहाँ इस हाइस के पास जाके 4.47। तो यहाँ से आराम से 9-10% की मूव अभी ओम के अंदर आनी है। जब तक इस लेवल के ऊपर है 3.84988 ओम मुझे शानदार नज़र आ रहा है। तो ये ट्रेड्स हैं जिनके अंदर मैं हूँ। ट्रेड आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, अगर आप भी ट्रेड देख रहे हैं कोई तो देख सकते हैं। ऊपर से मेरे ख़्याल से हम जल्दी से एंड करने से पहले टोटल थ्री का भी चार्ट देख लेते हैं। टोटल थ्री जो है, जब तक देखना है, अब ये विक्स आ रही हैं, ये अपनी बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर है, अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर टोटल थ्री। तो ये बहुत क्रिटिकल लेवल है टोटल थ्री के अंदर। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, टोटल थ्री का मैं बता दूं कि टोटल थ्री का जो चार्ट है, ये सारे क्रिप्टो एसेट्स की कंबाइंड वैल्यू है, जितने पैसे इनके अंदर लॉक्ड हैं। बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेबल कॉइन यानी यूएसडीटी, यूएसडीसी के अलावा जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं आपके, सोलाना, एक्सआरपी, डोज, व्हाटएवर, मीम कॉइन, एआई, सब की जो कंबाइंड वैल्यू है वो इस चार्ट के अंदर हमें नज़र आ रही है। और हमें अपने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एकदम से बड़े बड़े गेंस अभी फ़ौरन से नज़र नहीं आ रहे, यानी 10% का मूव ऊपर जाता है और 10% का वापस नीचे आता है। आप ये देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से, वो इसलिए क्योंकि वो इस क्रिटिकल लेवल से हिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजेक्ट भी हो सकता है टेम्प्रेरी तौर पर। अगर रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट हो गया हमें कैसे पता लगेगा, अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, ये वाले लेवल के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है 1.01 ट्रिलियन के नीचे, तो मतलब प्राइसेस नीचे आने लगी हैं। और हम एज अ ट्रेडर या एज अ स्पॉट बायर जो हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या है कि इसके ऊपर आके क्लोज कर दे, तब हमें फ्री रन मिलेगा, तब जो है ना ऑल्ट सीजन का सही मायनों में जो है वो बेस्ट पार्ट तब शुरू होगा जब टोटल क्रिप्टो यहाँ आके ऊपर इस लेवल के ऊपर 1.14 ट्रिलियन के ऊपर क्लोज करेगा। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके ऊपर, आप देख सकते हैं चार्ट खाली है, तब उसको फ्री रन मिलेगा कि वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है। तो अभी ये थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो आपको ऊपर जाते हुए भी जल्दी से नज़र आएंगे और फ़ौरन से फिर नीचे आते हुए भी नज़र आएंगे जब तक टोटल क्रिप्टो अपनी इस रेंज के अंदर मौजूद है, ये वाली जो रेंज है, ठीक है। इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तब असल मूव्स हमें नज़र आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस भी देख लेते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस भी इस लेवल के नीचे क्लोज हो चुकी है और अभी जाके रीटेस्ट कर रही है। ये ईजली जो है यहाँ तक जाके वापस नीचे आ सकती है, ठीक है। तो अभी तक चार्ट्स पे तो डोमिनेंस पे और टोटल क्रिप्टो के चार्ट्स पे सब कुछ ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। 28 मिनट की वीडियो हो गई है, लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन होपफुली डिटेल्ड एनालिसिस, जैम पैक्ड विद इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग अल्फा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी ट्रेड्स के अंदर आप हैं, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। वीडियो यूट्यूब पे एल्गोरिथम को फ़ायदा होता है और मैं रोज़ अपना आधा एक घंटा निकाल के वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो प्लीज़ मेहरबानी होगी अगर आप नीचे कमेंट या लाइक करें, तो इससे वीडियो को बड़ा फ़ायदा होगा। और जाके ज़रूर आखिर में एक दफ़ा फिर मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे जाएंगे, यहाँ जाके इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी, यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर देखें अभी भी इंटरेक्शन चल रही है। ये अनाउंसमेंट ग्रुप, यहाँ पर मैं सारे ट्रेड सिग्नल्स और सारी चीज़ें देता हूँ, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।